हेलो भाई, अब अंकित हर महीने की तरह इस महीने भी मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पांच सबसे ज्यादा टू व्हीलर बेचने वाली कंपनीज का सेल्स रिपोर्ट फरवरी 2022 का। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि बजाज आजकल अच्छा खासा सेल्स अचीव कर ले रहा है हर महीने। कुछ महीने से ये थर्ड पोजीशन पे भी आ जा रही है टीवीएस को पीछे छोड़ के, लेकिन पता नहीं कैसे इस महीने इसने 1 लाख का भी आंकड़ा पार नहीं करा। खैर ये सब बात छोड़ो, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिफ्थ पोजीशन पे आई है इस बार सुजुकी। रॉयल इनफील्ड को पीछे छोड़ के सुजुकी इस बार फिफ्थ पोजीशन पे आई है। इसने फरवरी के महीने में 58,603 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत भर में। बात की जाए इसकी जनवरी महीने के सेल्स फिगर की तो 60,623 गाड़ियों को बेचा था, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 2020 गाड़ियों को कम बेचा है सुजुकी ने। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि सुजुकी पे लोग कितना भरोसा करते हैं। इसकी एक्सेस ही सबसे ज्यादा बिकती है, बगमैन को तो कोई पूछता भी नहीं है, थोड़ा बहुत बिक जाती है। साथ ही अवेनिस जब से लॉन्च हुई है इसका सेल्स फिगर इम्प्रूव हो गया पहले से। खैर फोर्थ पोजिशन पे आइए बजाज। बजाज ने फरवरी के महीने में मात्र 96,523 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत भर में। बात की जाए इसकी जनवरी महीने के सेल्स फिगर की तो 1,35,496 गाड़ियों को बेचा था, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 38,973 गाड़ियां कम बिकी है बजाज की। बजाज ने हाल ही में इतना अच्छा पैकेज लॉन्च करा है इंडियन मार्केट में 250 सीरीज सेगमेंट में, फिर भी पता नहीं इसका सेल्स फिगर कैसे गिरते जा रहा है हर महीने। भगवान जाने बजाज का अब क्या होगा। खैर थर्ड पोजिशन पे आई है टीबीएस। टीबीएस ने फरवरी के महीने में 1,73,198 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत भर में, और वहीं जनवरी के महीने में इसने 1,67,795 गाड़ियों को बेचा था, यानी पिछले महीने के मुकाबले फरवरी के महीने में लगभग 5,403 गाड़ियों को ज्यादा बेचा है टीवीएस ने। एक तरफ आप देख रहे हो बजाज का सेल्स फिगर नीचे गिरते जा रहा है और दूसरी तरफ टीवीएस का सेल्स फिगर ऊपर उठते जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल मार्केट में, लोग बाग बहुत ही समझदार हो चुके हैं फीचर्स के मामले में। खैर सेकंड पोजिशन पे आइए होंडा। हमेशा की तरह इसने फरवरी के महीने में 2,85,677 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत भर में। बात की जाए इसकी जनवरी महीने के सेल्स फिगर की तो 3,15,196 गाड़ियों को बेचा था, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 29,519 गाड़ियां कम बिकी है होंडा की। होंडा हर महीने आराम से 3 से 3.5 लाख टू व्हीलर बेच देता है हर महीने। इसके बारे में कुछ ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि इसके सेल्स फिगर में कुछ ज्यादा का गिरावट नहीं आया, इतना चलता है 29,000 कुछ खास नहीं है। और अगली फर्स्ट पोजीशन पे आइए हमेशा की तरह हीरो मोटोकॉर्प। इसने फरवरी के महीने में 3,31,462 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत भर में। बात की जाए इसकी जनवरी महीने के सेल्स फिगर की तो 3,58,660 गाड़ियों को बेचा था, यानी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने लगभग 27,198 गाड़ियां कम बिकी है हीरो मोटोकॉर्प की। देखो मैं हमेशा से बोलता हूं होंडा हरदम टक्कर देती है हीरो को, लेकिन आज तक पकड़ नहीं पाई को, पता नहीं क्यों मात्र 44,000 का डिफरेंट है इस महीने। देखते हैं अगले महीने क्या ये फर्स्ट पोजीशन पे आ पाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैंने यहाँ पे आपको पांच सबसे ज्यादा टू व्हीलर बेचने वाली कंपनी के बारे में बता दिया फरवरी 2022 महीने की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।